your turn, so prove yourself and मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है? तो आज आपका भाई धमाल की वीडियो लेके आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाली है, जो ओपी के साथ काफी ज्यादा यूजफुल भी होने वाले। तो आज आपका भाई आपको भाई जोनाथन भाई की न्यूज वाली सेंसिटिविटी देने वाला है BGMI की। जब से 1.5 का अपडेट है, तो भाई जोनाथन भाई ने भी अपनी सेंसिटिविटी चेंज कर ली है जायरो ADS के हिसाब से, या फिर जायरो के हिसाब से चेंज कर लिए। तो भाई इस वीडियो में आपको भाई वही सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ जो आज के टाइम में BGMI खेल रहे जोनाथन भाई, वो वाली सेंसिटिविटी यूज कर रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। अगर गाइस आप लोग जोनाथन भाई की सेंसिटिविटी यूज करते हो ना भाई, आपका बिल्कुल जीरो रिकॉल हो जाएगा। अगर आप 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करते हो ये वाली सेंसिटिविटी यूज करने के बाद, देखो जोनाथन भाई ने भाई जो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी है वो थोड़ी लो कर रखी है, ठीक है, और जो भाई ADS जायरो की सेंसिटिविटी है वो थोड़ी हाई कर रखी है, ठीक है। पर गाइज आप लोग उससे क्लच पे क्लच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई खतरनाक वाली सेंसिटिविटी है। एंड गाइज आपको पूरी की पूरी स्टेप बाई स्टेप जैसे जैसे रखनी है सेम आपको बताऊंगा, और जो जैसे सेटिंग जोनाथन भाई ने कर रखी है सेम बताऊंगा। एंड गाइज इस वीडियो को पूरे ध्यान से देना। एंड गाइज अगर अभी तक भी अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे कर देना, क्योंकि भाई जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो यार देखो ये वाली सेंसिटिविटी है जो जोनाथन भाई की, आप लोग मोबाइल में भी यूज कर सकते हो उसको। भाई जो iOS वाले हैं, जो एप्पल वाले डिवाइस वाले, यानी कि कुल मिलाकर किसी भी मोबाइल में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। 1 GB रैम वाले, 2 GB, 3 GB, 4 GB, किसी में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब बात कर ले सेंसिटिविटी के बारे में, देखो सेंसिटिविटी तो हमें काम करेगी, बस आपको क्या काम करना है इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, एंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, 102 दिन। अब सबसे पहले आपको मैं सेंसिटिविटी बता दूंगा जब आपको कैसे कैसे सेंसिटिविटी रखनी है और किस कौन सी चीज़ पे भाई जोनाथन भाई खेलते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको अपनी बेसिक सेटिंग बता दूँ और भाई जोनाथन भाई की भी बताऊँगा, ठीक है। जो बेसिक सेटिंग होती है गाइस वो अपने हिसाब से होती है। देखो काफ़ी बंदे जो न्यू प्लेयर होते हैं अपना MSist वगैरह गाइस ऑफ रखते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं था MSist ऑफ रखने से क्या होता है। देखो अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो बंदे के हेड पे अपने आप ही बुलेट जाएगी, ठीक है, और जो ब्लॉक एंड साइट वार्निंग है गाइस इसको भी आप ऑन रखा करो। और भाई देखो मैं यहाँ पे पीक एंड स्कोप वगैरह मैं अपने हिसाब से ऑन ऑफ रखता हूँ, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से रख लेना जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। और भाई लीन मोड मिक्स रखता हूँ, स्कोप मोड मिक्स रखता हूँ मैं, और भाई देखो मैं LYG ऑन खेलता हूँ जायरो, ठीक है, मैं जायरो प्लेयर हूँ। तो भाई जब बात कर ले जोनाथन भाई की न्यू सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि उन्होंने BGMI में अपनी सेट की है 1.5 न्यू अपडेट में, ठीक है। सबसे पहले बात कर ले तो भाई जब देखो यहाँ पे ADS की सेंसिटिविटी हो गई और जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी हो गई, और जो ADS जायरो की सेंसिटिविटी है वो थोड़ी चेंज है जो जोनाथन भाई की है, ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सेट करके बताऊंगा आपको। तो गाइस बात कर लेते हैं अब कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि थर्ड पर्सन कैमरा कैरेक्टर व्हीकल की सेंसिटिविटी आपको 135 से लेकर के गाइस 145 के बीच रख लेनी होगी, ठीक है, 135 से 145 के बीच रख लेनी होगी। और जो कैमरा पैरासोनिक की सेंसिटिविटी गाइस आप लोगों को 130 से लेकर के 140 के बीच रख लेनी होगी, ठीक है, 130 से लेके 140 के बीच रख लेनी होगी। यही जोनाथन भाई की सेंसिटिविटी, देखो उनके पास हाई डिवाइस है, मैं क्योंकि भाई वो हाई डिवाइस में खेलते, तो मैं इस वीडियो में आपको अपने हिसाब से सेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो 1% नो स्कोप गाइज आपको 100 से लेकर के 105 या 10 तक रख लेना होगा, ठीक है। तो गाइज जब बात कर लेते हैं कैमरा की सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि है थर्ड पर्सन नो स्कोप, आप लोगों के यहाँ पे 90 से लेकर के गाइज 95 के बीच या फिर 100 तक के बीच रख लेना होगा, ठीक है, 90 से 95 के बीच रख लेना होगा थर्ड पर्सन नो स्कोप। और गाइज 1% नो स्कोप गाइज आपको 105 से लेकर के 115 के बीच रख लेना होगा, ठीक है, 105 से 115 के बीच रख लेना होगा। 120 भी आप लोग रख सकते हो, बट ज़्यादा मत रखना अगर आपको पास लो एंड डिवाइस है। तो गाइज TPPM के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे 110 से लेकर के गाइज 120 तक के बीच रख लेना होगा, ठीक है, TPPM 110 से लेके 120 तक के बीच रख लेना होगा। FPPM भी आपको 110 से 120 तक के बीच रख लेना होगा, इससे ज़्यादा आपको मत जाना वरना बंदे के एम कनेक्ट नहीं होगा। और गाइज जब बात करें रेड डॉट की सेंसिटिविटी के बारे में, अब गाइज आपको यहाँ पे 55 से लेकर के 65 तक के बीच रख लेना होगा, ठीक है, जो रेड डॉट की सेंसिटिविटी है 55 से 65 के बीच। और जो 2X वाली सेंसिटिविटी गाइज आप लोग इसको 40 से लेकर के 45 के बीच ही रखना, ठीक है।
और गाइस थ्रिक्स वाली सेंसिटिविटी के ऊपर बात करूँ तो गाइस आप लोग इसको 30 से लेकर के 45 के बीच रख सकते हो। थ्रिक्स वाली सेंसिटिविटी 30 से लेकर 45 तक के बीच रख सकते हो, और 4x वाली सेंसिटिविटी गाइस आप लोग बिल्कुल मत छेड़ना, बस आपको 20 से 25 के बीच ही रखना है, ठीक है। और जो 6x की सेंसिटिविटी है गाइस आप लोग इसको 16 से लेकर 20 तक के बीच रख लेना, ठीक है। 25 भी रख सकते हो, 16 से 25 के बीच रख लेना। और 8x वाली सेंसिटिविटी गाइस आप लोग यहाँ पे 20 ही रखना, इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना, आप 20 ही रखना है इसको, ठीक है, 8x वाली सेंसिटिविटी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एडिस की सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि पावरफुल सेंसिटिविटी होती है, पबजी में बहुत बेस्ट सेंसिटिविटी होती है। थर्ड पर्सन नोस्कोप गाइस आपको 120 से लेकर 135 तक के बीच रख लेना होगा, ठीक है, 120 से 135 के बीच रख लेना होगा, या फिर आप लोग 130 रख सकते हो। 1% नोस्कोप गाइस आप लोग यहाँ पे 90 से लेके 100 तक के बीच रख सकते हो, ठीक है, या 105 भी रख सकते हो। अब गाइस TPPM के बारे में बात करूँ तो जो गाइस एडिस का TPPM है आप लोग 115 से लेके 125 तक के बीच रख सकते हो, आप लोग 120 रख लेना। और जो FPPM है गाइस इसको भी आप लोग 110 से लेके 120 तक के बीच रख लेना, ठीक है, इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके गेम प्ले पर गाइस, आप बंद किल पे किल निकालोगे। अब कुछ बात कर ले रेड डॉट की सेंसिटिविटी के ऊपर, रेड डॉट की सेंसिटिविटी आपको 60 से 70 के बीच रख लेनी है, और 2x वाली सेंसिटिविटी गाइस आप लोग 30 से लेकर के 40 के बीच रख लेना, ठीक है, 30 से 40 के बीच रख लेना, इससे ऊपर मजा ना। और 3x वाली सेंसिटिविटी गाइस आप लोग 30 से लेकर के यहाँ पे आप लोग इसको 40 के बीच रख सकते हो, ठीक है, 30 से 40 के बीच रख सकते हो। तो गाइस आप बात कर लेते हैं 4x की सेंसिटिविटी के बारे में, 4x की सेंसिटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, आपको पूरी 20 ही रखनी है, अगर आपकी 20 ना हो तो गाइस आप लोग इसको 20 कर लेना, ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं 6x की सेंसिटिविटी के बारे में, ये भी आपको पूरी 20 ही रखनी है, इसको भी आप लोग को नहीं छेड़ना, पूरी 20 ही रखनी है। और 8x वाली सेंसिटिविटी गाइस आपको 15 रखनी है, ठीक है, ये तीनों सेंसिटिविटी आपको नहीं छेड़ रही ADS वाली। तो गाइस आप बात कर लेते हैं जायरो की सेंसिटिविटी के बारे में, देखो थर्ड पर्सन नोस्कोप गाइस आप लोग 300 से लेकर के 350 तक के बीच रख सकते हो, ठीक है, 300 से लेके 350 या 60 तक के बीच रख सकते हो। और 1% नोस्कोप गाइस आप लोग इसको 115 से लेकर के 125 तक के बीच रख सकते हो, ठीक है। और जो TPPM रहेगा गाइस जायरो की सेंसिटिविटी का, आप लोग इसको 120 रखना, 120 से 125 रखना है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है, वरना जायरो से एम वगैरह कनेक्ट नहीं होगा। अब TPPM है गाइस इसको भी आपको 120 ही रखना है। और जो रेड डॉट की सेंसिटिविटी गाइस आप लोग इसको 300 से लेके 355 के बीच रख लेना। और जो 2x वाली सेंसिटिविटी है गाइस आप लोग 2x वाली सेंसिटिविटी 300 ही रखना, इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना आप लोग। और 3x वाली सेंसिटिविटी गाइस आप लोग यहाँ पे 80 से लेकर के 90 के बीच रख लेना होगा, ठीक है, 80 से 90 के बीच। और 4x वाली सेंसिटिविटी गाइस आप लोग 55 से लेकर के 60 तक के बीच रखना, 60 से ऊपर मत जाना, 55 से नीचे नहीं रहना। और जिस 6x सेंसिटिविटी गाइस आप लोग 160 से लेके 175 के बीच रख लेना होगा, ठीक है, 160 से 175 के बीच रख लेना होगा। 8x वाली सेंसिटिविटी गाइस आप लोग 90 रख लेना होगा, बस 90 ही रखना आपको। और गाइस बात कर लें जो न्यू फीचर ऐड हुआ है ADS जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी, इसको आपको थर्ड पर्सन नोस्कोप गाइस आपको 280 से लेकर के 290 के बीच रख लेना होगा, 280 से 290 के बीच रख लेना होगा। और जो 1% नोस्कोप है गाइस आप लोग इसको 260 से लेके 265 रखना, इससे ऊपर अब आपको मत जाना। TPPM गाइस आपको 115 से 120 रख लेना होगा, 120 से नीचे नहीं, 120 से ऊपर नहीं। और जो FPM है गाइस वो भी सेम रखना। और जो रेड डॉट की सेंसिटिविटी है गाइस आप लोगों को 240 से लेकर के 260 तक के बीच रख लेना होगा, 240 से नीचे नहीं, 260 से ऊपर नहीं। और अगर 2x वाली सेंसिटिविटी 260 से 265, ठीक है, इससे ऊपर मत। तो गाइस जब बात कर ले 3x वाली सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि ADS जायरो की है, आपको 300 से लेके 350 तक के बीच रख लेने होगी, 300 से नीचे नहीं और 350 से ऊपर नहीं, ठीक है। अब अगर जब बात कर लेते 4x वाली सेंसिटिविटी के बारे में, 4x वाली सेंसिटिविटी का आप लोगों को 170 से लेके 175 ही रहने देना है इसको, ठीक है। और जो 6x की सेंसिटिविटी गाइस आप लोग इसको 140 से लेकर के 145 के बीच, फिर 150 रख लेना, ठीक है, 150 से ऊपर मत जाना। और जो 8x वाली सेंसिटिविटी गाइस आप लोग इसको 85 यानी कि 85 रख लेना होगा, इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना। तो गाइस ये थी जोनाथन भाई की 1.5 की BGMI की न्यू सेंसिटिविटी, आप लोग इसको यूज करना, यूज करने के बाद मुझे जरूर बताना आपके मोबाइल में कैसे काम कर रही है। बस इसको सेट करने के बाद, वीडियो को देखने के बाद सेट करो और भी प्रैक्टिस करो, आपके मोबाइल में अच्छे से काम करेगी आपको मोबाइल कोई भी हो, ठीक है। तो यार वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। एंड गाइस अगर अभी तक भी अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना और